घर में कुछ बोलते नहीं कि भाई रावण का कैरेक्टर ज्यादा क्यों कर रहे हो या रावण क्यों बनते हो, राम बनो, ऐसा करते होंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते, बल्कि बच्चे बच्चे तो सपोर्ट करते हैं। बीवी तो ये कहती है आपकी रावण का रोल क्या कर रहे हो, पापा तो हुई ऐसे। पत्नियों को पति रावण लगते हैं। आपको पूरी रामलीला के जितने 10 दिन होते हैं उसमें सबसे अच्छा रोल सीताहरण, रावण को इसी तरह की चीजें पसंद आती है, रावण को है कैरेक्टर भी वही पसंद आ रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV9 डिजिटल में। मैं हूं भूपेंद्र सोनी देवराही और रामलीला तो देख ही रहे होंगे आप, देश विदेश, शहर शहर, गांव गांव में राम, रावण, सीता और बाकी के पात्र आपके आजू बाजू घूम रहे होंगे। आज हमने उनमें से एक ऐसा पात्र सामने लाने की कोशिश की है जिसे आप रोज़ देख रहे हैं अभी रामलीला के दौरान, लेकिन उनके नज़रिए से रामलीला को शायद देखी नहीं होगी। हम बात है कर रहे हैं रावण की। रावण, जब ये वाक्य सुनते हैं ना कि मैं तुम्हें हर लूँगा सीते, ये वाक्य रावण की सुनते हैं तो हमको थोड़ा रावण से ऐसा लगने लगता है जैसे कि ये क्या गड़बड़ करने जा रहा है, और हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर हमने रावण को क्रोध में देखा है तो वो ठीक विचार नहीं आते। लेकिन रावण दरअसल बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, अतुलित बलशाली वो भी था, और इतनी बड़ी फौज उसके पास में, त्रिकालदर्शी था, ज्योतिषी भी था वो, उसने सारे ग्रहों को मुट्ठी में कब्जे में कर रखा था, यहाँ तक कि शनिदेव को भी। कुबेर जो रावण का भाई था वो भी उनके ही कब्जे में था। लेकिन ये बात जो हम कह रहे हैं, ये बात किताब की है, पुस्तकों की है, ये हमने पढ़ी है, सुनी है, लेकिन रामलीला के पात्र इन पात्रों को कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। हम बात करेंगे देश भर के रावणों से। हमने कोशिश की है कुछ रावण को साथ में लाने की, और हमारे साथ अलग अलग रामलीलाओं के पात्र हैं। इस समय प्रदीप गोस्वामी हैं, रामलीला दिल्ली की रामलीला मैदान के रावण हैं ये, और भूपेंद्र त्यागी हमारे साथ हैं, ये गाज़ियाबाद के रावण हैं। रावण जी को राम राम जी। कहाँ हैं ये रावण की कौन सी वेशभूषा है ये, इस समय क्या करने जा रहे हैं रावण? अभी रावण की बेसिकली यही वेशभूषा है तो हमारा, जब मैं जो करता हूँ असल में मैं गाज़ियाबाद में पहले कर चुका हूँ 5 साल तक कंटिन्यू रावण। आजकल आप फिल्मों में दिख रहे हैं, आजकल आप फिल्मों में दिख रहे हैं हमको, और देश भर में घूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी आवाज फिर कट जा रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या करें। अच्छा, मैंने कहा आजकल आप फिल्मों में दिख रहे हैं हमको और देश में घूमते हुए दिखाई भी देते हैं। हाँ जी, हाँ, फिल्मों में दिख रहे हैं जी। ठीक है, तो अभी ये वाली जो पर्टिकुलर ये वाली जो वेशभूषा है ये शायद मैंने पहले नहीं सुना था। हमें बताया गया कि अभी हम लगभग पिछले 3 साल से उर्दू में रामायण कर रहे हैं। अच्छा जी, उर्दू के पहले हम शो कर चुके हैं, लॉकडाउन से पहले आपके शेरवन सेंटर में गया था और लखनऊ में गया था, इलाहाबाद में गया था, बनारस में गया था, और अभी सेम शो वही वाला उर्दू वाला ही, उसका टाइटल है दास्ताने राम। दास्ताने राम जी, दास्ताने राम अभी हम शो करके आए हैं, लगभग 2 महीने पहले हुए हैं। ठीक है, इलाहाबाद में शो किया था और अभी आपके NSG में कुछ बात चल रही है शो करने की जल्दी में। ऐसा कभी हुआ है कि आप डायलॉग भूल गए हो और जनता ने हुटिंग चालू कर दी हो? सीता हरण के टाइम वो सीता जी से बात हुई थी, मतलब हमारी पत्र कि मुझे कंधे को उठा के लेके जाना,
तो डायरेक्टर की जानकारी में था नहीं, हमने मतलब कह सकते हैं इसे ऑन स्टेज इम्प्रोवाइजेशन किया था। ठीक है, तो जैसे ही वो कंधे पे सीता जी को मैंने ऐसे डाला तो थोड़ी हैवी थी तो उठ नहीं पा रही थी, तो जो मेरे हाथ में तलवार थी उसका सहारा लेने के लिए मुझे नीचे वो फर्श पे उसे लगाना पड़ा तलवार को, तो वो जैसी लगी एल टाइप हो गई, वो मुड़ गई आगे से तलवार गई पर तलवार चली मुड़ गई। तो सीता जी कंधे पे है और रावण अट्टहास लगा रहा है, लेकिन रावण को नहीं पता वो तलवार मुड़ी है, उसको देख के जनता अट्टहास लगा रही होगी, पूरा जोश में है और जनता जो है वो हाहाकार कर रही है। लेकिन आपने कभी ये बात सोची कि रावण जो है वो सिर्फ एक वजह से गड़बड़ हुआ है, उसमें बुराई थी सब कुछ था, लेकिन अगर विभीषण जी पासवर्ड नहीं बताते तो रावण मरने वाला नहीं था, उसको पासवर्ड पता था विभीषण को। नहीं देखिएगा, देखिए ये दुनिया भी तो चलानी है ना, आप और हम अगर यहाँ आज बात कर रहे हैं तो उसमें जितने भी करेक्टर हुए हैं ठीक है उसमें एक विभीषण भी है, अगर विभीषण नहीं होते तो शायद आज आप और हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे होते। तो बिल्कुल हर करेक्टर अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है ठीक है, तो वो पासवर्ड उन्हें पता था और उन्होंने वो लीक कर दिया ठीक है, उसका भी रोल है कि दुनिया में आज ये कहानी पता है, वरना तो पता ही नहीं चलते। अच्छा, जब राम का चरित्र आपके सामने आता है तो रावण के तौर पर सोचते हैं या फिर भूपेंद्र त्यागी के तौर पर सोचते हैं? जब जब मैं शो में होता हूँ तो भूपेंद्र त्यागी को तो भूल जाता हूँ, भूपेंद्र त्यागी तो रह जाते हैं घर पे, फिर तो केवल और केवल बस रावण जी। तो रावण की ये समझ लीजिए रिहर्सल से लेके और शो तक रावण ही याद रहता है। जब राम का चरित्र सामने आता है तो रावण क्या सोचता है, क्या उसके सबसे ध्यान में सबसे पहले क्या आता है राम का चरित्र, राम नाम सुन के? देखिएगा ये तो सबने पढ़ा है कि रावण जो है वो बहुत ही बुद्धिमानी और बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं उसको ज्ञानी पुरुष थे, तो उन्हें सच्चाई तो पता थी। ऐसा नहीं है कि जब राम सामने आते हैं तो उन्हें कोई किसी तरह का भ्रम था, वास्तव में भ्रम कुछ भी नहीं था, वो सच्चाई तो उन्हें पता थी ठीक है, इसलिए वो उनका आदर भी करते थे सम्मान भी करते थे, लेकिन वो कह देते ना कि जो वो मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ कि वो सिर्फ मुक्ति पाने के लिए दिखावे का झगड़ा था, दिखावे की लड़ाई और कुछ नहीं था, कि उन्होंने रावण के राम के हाथ से मुक्ति प्राप्त होनी थी ठीक है, सच्चाई तो ये है। लेकिन हम जो भी प्ले करते हैं तो हम तो आज के हिसाब से सोचते हैं, दुश्मनी वाले हिसाब से सोचते हैं कि जैसे ही राम सामने आ जाएंगे तो ये जो है ये हमारे नाटक में तो दुश्मन है, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना भी पड़ता है, सब कुछ दिखाना है ठीक है ना, तो उसके हिसाब से एक्सप्रेशन तभी आएगा जब हम अपने दिमाग में ये रखेंगे कि ये सामने, अगर शुभ में ऐसा सोचेंगे कि ये तो भाई हमसे भी ज्ञानी है और इनके हिसाब इनके हाथों हमें मुक्ति मिलनी है तो शायद शो में वो चीज ना दिखा पाए कलाकार की हैसियत से। मतलब वो आपको ये दिखाना रहता है कि हमको तो जीतना है, और रावण का जो चरित्र है जिसके लिए जाना जाता है उद्दंडता उश्रृंखलता है कि हम किसी से कम नहीं, वो वाला हिसाब है, राम भी सामने आ जाएंगे तो कुछ नहीं है, तो हमें लगता है कि बस हम ही जीतने वाले हैं, हम ही जीतने वाले हैं। शिव के प्रकांड भक्त भी हैं, शिव के अनन्य भक्त भी हैं प्रकांड विद्वान होने के साथ में। मैंने जब ये देखा कि शिव की स्तुति राम ने भी लिखी है और रावण ने भी लिखी है, दोनों ने गाई है, दोनों के भाव में और दोनों के लय में बड़ा अंतर है। राम द्वारा है वो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, और रावण ने जो कही है वो जटागवि गलज प्रवाह पावित स्थले, उन दोनों के भाव में बड़ा अंतर है, टोन में बड़ा अंतर है जी। तो साफ साफ समझ में आता है कि रावण जो है वो एग्रेसिव है, राम के चरित्र से बिल्कुल विपरीत है जी। और आप तो जिस भूमि से आते हैं उस भूमि के पास रावण का जन्मस्थान विश्रवा मुनि का जन्मस्थान कहा जाता है, केकसी और विश्रवा की संतान रावण,
रानी केकसी दैत्य कुल से थी और जो विश्वराज मुनि थे वो देव कुल से थे, और दोनों का जब मेल हुआ तो रावण का की उत्पत्ति हुई है। तो इससे इतर मैं एक आपसे दूसरे कुछ सवाल पूछता हूँ इस समय। जी प्रदीप गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही सर। हाँ मैंने कहा रावण को राम राम, आपको सुनाई नहीं आई थी वो बात, आपके कान में बात तक पहुंची नहीं, कान तक वो राम राम, रावण को राम राम करते देख के अच्छा लगा। वैसे कहाँ पर किस कहाँ किस स्थान पर बैठे हैं आप इस समय? जी अच्छा, ये अभी रामलीला आप प्रतिदिन कर रहे होंगे? हाँ डेली प्रतिदिन कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जब रामलीला होती है तो पूरा देश राममय हो जाता है, लेकिन बीच में रावण खलल डालने आते हैं रामलीला में, तो जब स्टेज पे आते हैं तो दर्शकों के तरफ से हुटिंग वुटिंग होती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई हुटिंग नहीं होती। लास्ट में एक दो दिन रह जाते हैं जब रावण का ही ट्रैक्टर नहीं चलता है, शुरू में तो रावण का ट्रैक्टर ही नहीं। लास्ट में होता है सीता हरण के साथ, सीता हरण के साथ होता है। हाँ तो हुटिंग होती है कि नहीं उस समय? वैसे होती है। थोड़े अनुभव बताइए आप, अपने अनुभव आपके सुनना चाहते हैं, रावण के अनुभव सुनना चाहते हैं। रावण बहुत लंबा समय हो गया, 22 साल से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ और 7 सालों से मैं जैसे राम का ट्रैक्टर निभा रहा हूँ और काफी गर्वान पे महसूस होता है कि अच्छा लगता है। रावण एक लोगों की नजर में भले ही एक विलेन का करेक्टर है, लेकिन भगवान जी बहुत बड़ा विद्वानी ज्ञान पंडे और जनन का दाता और भगवान शंकर का भक्त बना, और रामलीला है अपने जो है दर्शन अपने आते हैं भगवान को, तो राम की सेवा करने का सबको भी मिलता है मान। आपको पूरी रामलीला के जितने 10 दिन होते हैं उसमें सबसे अच्छा रोल या सबसे अच्छा जो दृश्य है जिसमें आपको आनंद आता है वो कौन सा दृश्य है? अपने करैक्टर में या किसी और? नहीं नहीं अपने आपके करैक्टर में। जी सीता हरण रावण को इसी तरह की चीजें पसंद आती है रावण को, है करैक्टर भी वही पसंद आ रहा है करैक्टर भी वही पसंद आ रहा है। अच्छा जो करैक्टर निभा रहे हैं जिस करैक्टर को निभा रहे हैं तो उसी करैक्टर की बातें करेंगे। हाँ कभी कभी डायलॉग भूल जाते हैं, ऐसा होता है? कभी कभी ऐसा हुआ है? हो जाता कभी कभी। अच्छा एक बार बताइए हनुमान के बारे में क्या विचार है? हनुमान तो लंका में आग लगा देते हैं, आजकल चल भी रहा है कुछ मामला उधर लंका में। हनुमान जी का पवित्र रोल है। हाँ सर 15 साल निभाया मैंने। अच्छा आप ही हनुमान बने, अब रावण बनने लगे? 15 साल हनुमान जी रोल किया। अच्छा ये कलयुग में हो सकता है कि हनुमान रावण बन जाते हैं या रावण कभी कभी हनुमान के रोल भी निभाने लगते हैं। कलयुग की रामलीला है। कलयुग की रामलीला है। प्रदीप जी हाँ जी आपको भी यही लगता है कि रावण की हंसी केवल वो सामने वाले को डराने के लिए एंट्री लेने के लिए हंसी है रावण की, वो बस एक एंट्री है, रावण का आने का आगाज है। अच्छा रावण आने वाला है, अब रावण आने वाला है, अट्टहास होता है बहुत अट्टहास से पब्लिक समझ जाती है कि रावण की एंट्री होने आगाज है। कैसे कैसे अट्टहास, उसमें क्या अलग होता जरा आपकी आपका क्या कुछ अलग होता है या नॉर्मल होता है जैसे हंसता है वो? थोड़ा सा चेंज तो होता ही है,
कैसे चेंज करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं आप उसमें या इम्प्रोवाइजेशन करते हैं? कमेंटेटर द्वारा होता है ना, कमेंटेटर द्वारा। अच्छा, उसमें जो है लाउडली ज्यादा लाउडली होता है। एक नॉर्मल हंसी से रावण की हंसी जो है अलग से ही नॉर्मल हंसी से नहीं, वो हमेशा एक ही हंसी क्यों हंसता है? पर वो स्माइल भी कर सकता है लेकिन हमेशा वही हंसी हंसता है। एक बार करके देखिए, एक बार आप इसी तरह हंसता है प्रदीप। और लाउड, हाँ लाउड देखिए, करके देखिए एक बार। ये थोड़ी कुटिल हंसी होती है, कुटिल चाल चलने के पहले की हंसी, कुटिल राजनीति करने के। हाँ भूपेंद्र जी, सर ये हंसी हंसी वाली कैटेगरी में नहीं आती। जैसे हम एक तो होती है मुस्कुराहट, जैसे अभी आप मुस्कुराने बड़े सुंदर लग रहे हैं, एक होती है हंसी जो हंसते हैं लोग, आम लोग। ये हंसी नहीं है, ये है बेसिकली अट्टहास। अट्टहास, हाँ जी। आप कैसे अट्टहास करते हैं, आप कैसे अट्टहास करते हैं, कुछ अलग होता है या फिर? और अट्टहास में समझिएगा ये गर्व से भरी हुई है, घमंड से भरी हुई है, ये वो हंसी है। इसका इसका कोई किसी उससे मतलब नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ये जैसे युद्ध के लिए बिगुल बजाया जाता है तो ऐसे ही ये अट्टहास है कि अगर अट्टहास में किसी के दम है तो सामने वाले के वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे दम लाते हैं जरा दिखाइए, हम भी देखते हैं आप कैसे दम लाते हैं इसमें, इस कैरेक्टर में। जैसे मैं बताता हूं आपको कि जब वानर, जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ दी थी, तब रावण को खबर मिलती है, रावण आता है। वानर भी क्या बला है जो लगता नहीं है बस, कि वानर भी क्या बला है जो चलता नहीं है बस, न दिल में कोई खौफ है न कोई पेशोपस, गिराया उधर अलम कि तोड़ा उधर अलम और गिराया इधर कलश, कि तोड़ा उधर अलम और गिराया इधर कलश, होता नहीं मुकाम से अपने छोटा सिवस, जाओ जाओ सितम शरीफ की कर्तन मरोड़ दो, अग्नि लगा के पूंछ में पारर की छोड़ दो, जाओ। आग लगाने में, पूंछ में आग लगाने में का जो आदेश दिया था उसके बाद ले, उसी के बाद तो लंका जला दी थी हनुमान जी ने। प्रदीप जी, आपको भी कोई कोई अच्छा डायलॉग लगता है इसमें से? कौन सा डायलॉग आपका अच्छा आपको अच्छा लगता है? जब रावण एंट्री करता है अपने दरबार में बैठता है, कौन सा डायलॉग बोलता है उस समय? रावण, लंका का राजा रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव तनुज और लोकपालों का दिक्पाल व करतार, काल वो काल नहीं मेरे पैरों का कार है, इंद्र वो अब इंद्र नहीं मेरे ठोकर का ठुकरा हुआ किनार है, बड़े दिन काटते हैं यम वरुण मेरे इशारे पर, अश्वनी और कुबेर पलते हैं मेरे ही गुजारे पर, खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर, अगर घड़ी घड़ी भर भी गुस्सा मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले हिले पर्वत सकल संसार थर्राए। ये जो चरित्र है, बच्चे लोग तो मुझे लगता है कि देख के थोड़ा सा डरते होंगे, डरते होंगे। अच्छा, आप जब बनते हैं तो घर में क्या बोलते हैं बच्चे लोग, घर 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 में या रिश्तेदारों में क्या बोला जाता है? प्रदीप जी, आप से पूछता हूं मैं, जब आप रावण का कैरेक्टर रोल कर रहे हो तो आपके बच्चे तो कुछ बोलते होंगे या पत्नी कुछ बोलती होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या बोलते हैं वो वैसे? अच्छा कर रहे हो आप। हाँ बढ़िया, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। भूपेंद्र जी, जी जी, आपको भी सपोर्ट करते हैं लोग? घर में कुछ बोलते नहीं कि भाई रावण का कैरेक्टर ज्यादा क्यों कर रहे हो या रावण क्यों बनते हो, राम बनो, ऐसा करते होंगे क्या?
नहीं ऐसा कुछ नहीं कहते, बल्कि बच्चे बच्चे तो सपोर्ट करते हैं, बीवी तो ये कहती है आपकी रावण का रोल कौन कर रहे हो आप, तो हुई ऐसे पतलियों को पति रावण लगते हैं तो राम के चरित्र में वो विशेषता है, तो राम के चरित्र को देखते हैं तो रावण भी आखिर में राममय हो जाता है, वो भी मरते समय हे राम कहता है ना, हे राम कहता है। तो मुझे पता है कि भगवान का तो मेरा मोक्ष प्राप्त हो रहा है, मोक्ष प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या शिक्षा देता है, क्या शिक्षा देता है लक्ष्मण जी को? लक्ष्मण जी को दो तीन चार बातें बताता है कि जैसे कोई काम अगर आज करना है तो उसे आज ही निपटाना चाहिए, कल पे मत डालना चाहिए, और कि मेरा भाई मेरे साथ, राम का भाई राम के साथ था तो आज राम की विजय हुई, मेरा भाई मेरा दुश्मन पैरी बन बैठा तो आज मैं जो है इस दशा में हूँ, और पत्नी नहीं हरना किसी की, ये भी बोलता होगा वो। हाँ पत्नी नहीं हरना, हाँ, तो बुरी नजर नहीं डालना है, बुरी नजर नहीं डालना पराई नारी पर, आई स्त्री पर नजर, क्योंकि इससे लड़ाइयाँ होती हैं, और यही जो चरित्र है वो चरित्र रावण का लोगों के दिमाग में, और इसलिए लोग बोलते हैं कि अपने अंदर के रावण को निकाल के बाहर फेंको। ओवरऑल रामलीला के चरित्र में राम जी को छोड़कर कौन सा और ऐसा चरित्र है जिससे थोड़ा सा आपको लगता है कि वो अद्भुत चरित्र है, और वो उसके अंदर जो प्रेरित करने की क्षमता अद्भुत है, वो कौन सा चरित्र लगता है? बालाजी महाराज। बालाजी क्यों? 15 साल मैंने खुद किया है वो रोल। एक तो बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र रोल है, और पूरा ही मतलब प्रभु राम जी के चरणों में रहने का पूरा अवसर मिलता। अच्छा, तो आप में भी जब रोल करते हैं आप थोड़ा सा, तो ऐसा तो होता होगा कि थोड़ा थोड़ा कुछ कैरेक्टर बच जाता है अंदर, ऐसा होता है रावण का कुछ कैरेक्टर अंदर बच गया, 10 दिन बाद देखा कि अच्छा रावण अंदर अपने अंदर आ गया है, कभी गुस्से में बोलते होंगे आप, कभी घर में जाते हो हा, 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 ऐसा करते हैं आप कभी? कभी कभी बच्चे बेटा है छोटा मेरा वो कहता है पापा रावण सकता है, तो बस कभी उसे बता दिया कि ऐसा सकता है, तो वो कहता है देखो मम्मी रावण रावण आ गया रावण। ये भी अद्भुत है। अच्छा, आज के युग में रावण को कौन सी चीजें लगती है कि ये रावण ज्यादा बड़ा है? महंगाई के रावण, भ्रष्टाचार के रावण, आतंकवाद के रावण, कई तरह के रावण आ गए आजकल तो मार्केट में घूम रहे हैं। बहुत सही। आपको कंपटीशन तगड़ा लगता है कभी? सर आपको कंपटीशन लगता है इन रावणों से? देश का तो मुद्दा आजकल सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही, बाकी तो है ही बहुत सारे मुद्दे हैं अपने देश, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत संभाले हुए हैं, संभाले हुए देश। और अभी रावण, अब लंका की स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही है, क्या सोचता है रावण उस पे? वहां तो अभी विद्रोह हो गया था, जनता ने विद्रोह कर दिया था। हाँ महंगाई की वजह से। हाँ महंगाई नहीं हो गई, लेकिन कभी डर तो लगता होगा रावण को श्री राम से। हालांकि वो एक बार अट्टहास करते हुए रावण ने कहा कि वो वन में घूमने वाला, पैदल चलने वाला भिखारी, हाँ वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्या बोलता है रावण? क्या ऐसे कुछ बोलता है ना? हाँ ऐसे ही है, वो दो बन बन में भटकने वाले दो भिखारी, हाँ मेरा क्या कर लेंगे। हाँ। और पहली बात तो और लंका आ भी गए, लंका तक पहुंच गए, और लंका आ भी गए तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देखिए विभीषण की वजह से गड़बड़ हुआ सारा, विभीषण को सारा सीक्रेट पता था। हाँ। उसको पासवर्ड था, उसने पासवर्ड बता दिया श्री राम को। हाँ। कि इधर है पासवर्ड, इधर है तीर इधर चलाओ। रावण ने वही तो बोला था कि राम का भाई राम के साथ है तो आज राम की विजय है। हाँ। मेरा भाई मेरा विरोधी हो गया तो आज मैं हार गया।
इसीलिए शायद हमने पूरे देश में ये एक चीज देखी, हाँ एक चीज देखी हमने, किसी ने विभीषण नाम नहीं रखा अपने बच्चे का। विभीषण बहुत से करेक्टर हैं जो नहीं, पर नहीं रखते, नाम नहीं रखते बच्चे का, नाम नहीं रखते ना। बच्चे का नाम बिल्कुल नहीं रखते। रावण के पास तो अद्भुत कलाकारी थी, वो इंजीनियर भी था, उसके पास पुष्प विमान था, वो प्रकांड विद्वान, उसने तो सबसे बड़े ग्रह को कब्जे में लेके रखा था, जिनसे लोग परेशान रहते हैं, शनि महाराज से, शनि महाराज को उसको उनको अपने यहाँ के कब्जे में कर लिया था उन्होंने, है ना। लेकिन बुराई का फल हमेशा बुरा होता है, बुरा होता है, ये संदेश है, और इसलिए रावण को जलाया भी जाता है पुतले दहन के बाद में, है ना जी जी। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी, बड़ी खुशी हुई आप जी, हम आपसे बात करते रहेंगे बीच बीच में, अगले साल भी जब नया, आपने कहा कि एक बार रावण मरता है तो दोबारा आ जाता है, तो अगले साल भी जिंदगी हम ठीक ठीक हाँ अच्छा, नमस्कार जी, नमस्कार।